डॉक्टर फवाद आप हैं जी? MBBS किस सन में किया आपने? 88 में जी। 1988 में जी। और इसके बाद प्रैक्टिस किस हॉस्पिटल में करते रहे आप? मैं कुछ अरसा में अस्पताल में रहा जी। अच्छा, एज सीनियर डॉक्टर? हाँ जी, फिर जनरल अस्पताल में रहा जी। अच्छा, आपकी स्पेशलिटी क्या है? मैं जी प्लास्टिक सर्जरी की। प्लास्टिक सर्जन जी। जी ठीक, तो कब से कर रहे हैं आप ये किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा? किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करता जी। फिर सोच लीजिए जी। बिल्कुल सही जी, लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं जी। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं फुटेज भी देख के आई हूँ, मैं उन पेशेंट से मिल के भी आई हूँ जिन्होंने आपकी तस्वीरें भी पहचान ली, वो भी झूठ बोल रहे हैं। डेथ बेड पे क्यों कोई झूठ बोलेगा? देखिए, मैंने बताया ना कि मैं वहाँ पे उनको जो मरीज खोला हुआ था उसको बंद किया और उसकी फुटेज। डेथ बेड पे क्यों कोई झूठ बोलेगा? सवाल तो मेरा ये है ना। मैं तो नहीं जानता नहीं है बात। आप तो बिल्कुल ठीक खड़े हैं अपने दो कदमों पे। इस वक्त जिंदगी है तो उनकी स्टेक पे लगी। उनसे पूछिए जी। मैं पूछ के आ रही हूँ, आपको पहचान भी लिया उन्होंने। आपने 2013 में पर्चा भी हुआ था, आप कह रहे हैं वो भी नहीं पता? नहीं, FIR मौजूद? FIR मेरे पे नहीं थी, वो कुछ और लोगों पे थी। बाद में मुझे किसी उन्होंने कहा क्यों बाद में आपको क्यों नामजद किया गया? इसका मतलब आपके रैकेट से कोई ताल्लुक था? आप मेरी भी सुनोगे या अपनी? मैं आपकी सुन रही हूँ ना। सवाल तो मेरा इसीलिए कि बाद में आपको नामजद क्यों किया गया? आप लाहौर बैठे हैं, वो इस्लामाबाद में है। वो इसलिए कि जिस सर्जन ने किया था उसको बचाना चाहते थे, इसलिए वो मेरी तरफ लाया गया मामला। आप डिनाई कर रहे हैं हर चीज से। मेरा ख्याल है मैं तो फिर बहुत इज्जत और एहतराम से आपकी एज का लिहाज करते हुए आप करके बात कर रही हूँ, लेकिन बाहर पब्लिक जितनी इस वक्त आग बगोला है, शायद आपसे कोई आप करके भी बात ना करे, या जिनके प्यारे, जिनकी जिंदगी आपके हाथों से चली गई हैं, वो शायद आपको देख भी ना पाए इस तरह। कहाँ स्टैंड करेंगे आप जब लोगों को इंस्टिगेट करेंगे तो ऐसे ही होगा जी। मैं नहीं कर रही, आपको गिरफ्तार मीडिया ने नहीं किया, आपको गिरफ्तार एक ऐसे इदारे ने किया जो सबूत की बुनियाद पर काम करता है। डॉक्टर अल्तमश आप हैं? डॉक्टर अल्तमश मैं। वहाँ क्या कर रहे थे आप? लाहौर जनरल हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहा था। जहाँ से गिरफ्तार किया गया? आई वॉज डूइंग नथिंग ओवर देयर। क्राइम की जगह के ऊपर मौजूद होने का मतलब ये नहीं है कि मैं क्राइम के अंदर इन्वॉल्व था। अच्छा, तो फिर क्यों गिरफ्तार किया गया आपको? क्योंकि मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था। क्यों खड़े? मैं वहाँ पर मौजूद था उस जगह के ऊपर। वो कोई पब्लिक प्लेस है, कोई पार्क? मैं किसी भी जगह के ऊपर अगर चला जाऊँ और वहाँ पर एक क्राइम हो जाए तो क्या मैं उसका तो एक मेरी बात सुनिएगा ना, तो क्या मैं उधर, इसका मतलब है कि मैं उसके अंदर इन्वॉल्व? मैं आपसे वही पूछ रही हूँ कि आप फिर क्यों गए थे? अगर आप इन्वॉल्व नहीं है, वो पब्लिक प्लेस नहीं है, वो पार्क नहीं है, वो कोई फास्ट फूड का? मुझे वहाँ पर एक बंदे ने बुलाया था, आशिक था उस बंदे का नाम। क्यों बुलाया था? उसने मुझे वहाँ पर बुलाया था। ही नीडेड अ पैनल ऑफ एनेस्थेटिस्ट्स वहाँ पे। उसके अलावा जो है तीन बंदे और थे, और उनके मुझे सिर्फ हुलिये पता है। एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट था, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। एक पिशावर से एक बंदा था, ही वाज अ नेफ्रोलॉजिस्ट, और एक साथ एक और बंदा था जिसको मुझे नहीं पता। आई थिंक प्रॉब्ली मेरा अपना गेस वर्क ही है। गेस वर्क मेरा ये है कि वो नादरा का आदमी, मेरा अपना गेस वर्क है। अच्छा, कोई नाम वाम नहीं पता आपको? नहीं, उन्होंने नाम नहीं बताया। आशिक कौन है? आशिक को कैटेगोरिकली जानता हूँ, ठीक है। कौन है वो? मैं वही बता रहा हूँ ना जी। मैं आशिक को, मेरी लिख लें बात और सुन लें और इसको रिपीट कर लें कि मैं आशिक को कैटेगोरिकली जानता हूँ। अगर कॉल रिकॉर्डिंग मतलब है कि आई नो दैट गाय, कि हाँ वो बंदा है। क्या करता है? देखिए, ये मेरे ख्याल से जो उसने पोज किया है वो ये है कि वो डॉक्टर नहीं है। आप YDA के जनरल सेक्रेटरी? जी, मैं बिल्कुल YDA के जनरल सेक्रेटरी था। मैं था, मैं YDA के जनरल सेक्रेटरी अपने आप को कंसीडर नहीं करता क्योंकि अभी मैं मुलजिम। अच्छा, आपके सामने तमाम डॉक्टर्स थे, आप तो डॉक्टर को देख के समझ आए हुए कि वो डॉक्टर है। जी बिल्कुल, ठीक है जी। तो आप फिर उसके कहने पे कैसे चले गए? नहीं, मैं उसे कहने के ऊपर नहीं गया। आप मेरी बात सुने, मेरी उसके साथ पूरी डिस्कशन हुई है। वहां पर बैठ के हमने बकायदा चावल भी खाए, बिरयानी भी खाई। इसके अलावा वहां पर बैठ कर मैंने चाय भी पी। मैंने वहां पे अच्छा खासा जानते हैं, तो कब से जानते थे उसे? मेरे ख्याल से मेरा उसको जो है ना, करीबन 6-7-8 महीने से तो उसको मैं जानता हूँ। मैं अगर उससे मिला था, मुझे याद पड़ता है कि किसी दोस्त के रेफरेंस से मिला था। मुझे सच्ची बात है बिल्कुल क्लियर याद नहीं है कि वो बाद में बात गलत साबित हो जाए। आशिक कहाँ गया? वो तो मैंने बताया ना कि उसने यूं यूं करके इशारा किया और वो निकल गया। आपने तो मुझे अलिफ से लेकर ये तक तमाम कहानी सुनाई। नहीं, मैंने इसके अंदर दरमियान में काफी चीजें दी। अब मैं अगली चीज, आपने मुझे इंट्रो और कंक्लूजन तो सुना दिया ना। चलें, बीच की चार चीजें गाइड भी हुई तो खैर है, ठीक है। इंट्रो और कंक्लूजन तो मैंने आपका पूरा सुना। बिल्कुल, मुझे जब इन्होंने पकड़ा तो मुझे ऊपर से नीचे लेकर आ।
आपको पहचान रहे हैं, किनेस्थीसिया हमें डॉक्टर अल्तमश ने दिया, उनको आपका नाम नहीं पता लेकिन आपका चेहरा पहचान रहे हैं। किसी डोनर को मैंने एनेस्थीसिया नहीं दिया। आप उन डोनर से प्लीज, आपसे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनसे पहले पूछें कि वो वहां पर आए कैसे। आप उनसे पूछें कि उनका मेरे साथ क्या ताल्लुक है। आप उनसे पूछें कि मैंने उनको बेहोश किया कि नहीं किया। मैं ये पूछ के आई हूं, मैंने आपसे पूछा, आपका नाम नहीं जानते थे। नहीं, ये मैं नहीं मानता इस बात को, उन्होंने बात कही होगी। नॉट पॉसिबल, हमें नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आप बिल्कुल सुनवाए, यही थे, इसने बेहोश किया था, इसने बेहोश किया था। सही होशो आवाज में बता रहे हैं ना, गलत बयानी तो नहीं कर रहे। देखिए, आपने उसको पिक्चर दिखाई है, रीजन क्या? उसने कहा है कि मैंने बेहोशी दी है, मेरे से गलती हुई है, इंसान से गलती होती है, मगर मैंने ये गलती की है। मैं उधर गया हूँ, उसे कहने पे गया हूँ, मैंने मीटिंग भी की है। आप लोगों की गलती की वजह से तमाम मसीहाओं के ऊपर से गरीबों का ट्रस्ट उठ गया ना, तो हमारा मुल्क पहले भी दहशतगर्दी की लपेट में है और आगे भी मजीद हम पिस जाएंगे। इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग वैसे पिट रहे हैं। आई थिंक दिस इज डॉक्टर फवाद और डॉक्टर अल्तमश, इनकी तमाम गुफ्तगू आपने सुनी, FIA की इन्वेस्टिगेशन, और अभी तक जितनी सूरत हाल हमने आपको हॉस्पिटल से लेके तमाम जगहों की दिखाई, जिस तरह से रेड हुआ, वो फुटेजेस भी आपने देखी, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन सामने आई और वीडियो रिकॉर्डिंग उन विक्टिम्स की, उनकी फैमिलीज की, तमाम आप सुन चुके हैं।